नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुराने से पुराने जो घुटनों का दर्द है उसे किस तरह से आप घरेलू उपायों से दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। घुटनों का दर्द बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका वजन बहुत ज़्यादा होना, या फिर आप अपने हेल्थ का सही से ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आपकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, या फिर आपके शरीर में विटामिन्स और न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होता है, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी हड्डियों के लिए। उसके बाद आपको चाहिए दो बड़े चम्मच शहद। शहद की वजह से भी हमें काफ़ी आराम मिलता है। और थोड़ा सा पानी। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को रोज़ रात में सोने से पहले अपने घुटनों पर लगा लीजिए और सुबह उठकर अपने घुटनों को धो लीजिए। 5 से 6 दिनों में ही आप अपने घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम देख पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, एक बार ज़रूर करके देखिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ घुटनों के दर्द को हटाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है हमारी हड्डियों को गर्माहट देता है और मजबूती भी देता है। साथ ही साथ आपको चाहिए लहसुन। लहसुन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है, जो हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इन दोनों को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, इसलिए आपको लहसुन को कद्दूकस या फिर उसका पेस्ट डालना है तेल के अंदर और लगभग 5 मिनटों के लिए इसे गर्म कर लेना है। अब इस तेल को छान लीजिए और इस तेल को ठंडा होने के बाद या हल्का गुनगुना जब ये तेल होगा तब अपने घुटनों पर इससे मालिश करिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके घुटनों का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि जो बर्फ़ होता है उसे एक कपड़े में बांध लेना चाहिए और उससे सिकाई करनी चाहिए। बर्फ़ से हमारे स्किन की ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होती है और इसी की वजह से हमारे घुटनों के अगल बगल भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छे से तो हमारे स्किन या हमारी हड्डी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपके पैर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो आपको बर्फ़ की सिकाई ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 3 आसान घरेलू उपाय आपके घुटनों के दर्द को भगाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे वीडियो के साथ। पर दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।